हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार सारस्वत आदित्य कॉन्वेंट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक बच्चों आपने सीखा होगा नंबर्स के बारे में। नंबर्स आपने वन डिजिट, टू डिजिट, जैसे कि 10, 11 और भी होते हैं, थ्री डिजिट, 964, बहुत सारे होते हैं, 999 तक, ये होते हैं 100 तक, सॉरी 99 तक, और ये हैं 9 तक। ये हैं आपके वन डिजिट के नंबर, और ये हैं आपके टू डिजिट के नंबर, और ये हैं आपके थ्री डिजिट के नंबर। लेकिन अब हम सीखेंगे इनसे आगे जो फोर डिजिट के नंबर हैं। फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1000 से। देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें फोर डिजिट हैं। इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है? 1000, 1000। इससे आगे भी होते हैं, जैसे चलते जाते हैं, 1000, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, और आगे भी बढ़ते जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम सीखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, 'राइट इन फिगर्स'। ऐसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है 6000, 200, 84, 84। ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, हमें इसको लिखना है नंबर्स में, यानी कि फिगर्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे आगे क्या आया है? 6000, सबसे पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद आया है 200, 200 लिख लिया, एंड 84, इसको एक साथ लिखेंगे, ये वंस और ये टेंस, 84, ऐसे करके लिखना है। सपोज करो आपको दूसरी तरह से कैसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। राइट इन वर्ड्स, इसको कैसे करना है? एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है 9620। तो इसको हमें किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है, यानी इसका नंबर नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड में कितना है? 9। तो सबसे पहले लिखेंगे 9000, उसके बाद 100 प्लस पे क्या है? 6600, और इन दोनों को जो वंस और टेंस होते हैं इनको एक साथ लिखते हैं, एंड 20। तो हमने दो तरीका से सीख लिया नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखना है और फिगर्स में कैसे लिखना है। अब इनसे आगे चलते हैं, ढंग से देख लीजिए आप, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं इनको रिमूव करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करके होगा, व्हाट इज द नंबर व्हाट इज द नंबर, इसमें कैसे क्वेश्चन दिए गए होंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है 4000, 600, 210,
सिक्स वंस। इसको कैसे लिखना है, फोर थाउजेंड यानी थाउजेंड में सबसे आगे क्या है, फोर, हंड्रेड प्लेस में सबसे आगे क्या है, सिक्स, उसके बाद टू टेन यानी कि टेंथ नंबर पे क्या है टू, उसके बाद वंस, वंस नंबर पे क्या है सिक्स। तो हमारा ये नंबर बन गया 4626। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बुक में, उन्हें वहाँ से आपको सॉल्व करना है। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द सूटेबल वर्ड। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ऐसे यहाँ पे लिखा है टेन टेन टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए कैसे करना है इसको, यहाँ पे लिखा है टेन, टेन का मतलब क्या होता है, टेन ही होता है, और टेंस इसका मतलब भी क्या होता है टेन, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हंड्रेड, तो वन क्या हो गया हंड्रेड हो गया। इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बुक में, आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको नंबर दिए गए होंगे, यहाँ पे हमें सक्सीजर बताना है उसका, और यहाँ हमें बताना है उसका प्री डिसीजर। कैसे बताना है, नंबर देखिए यहाँ पे लिख रहा है 4355। हमें इसी नंबर का सक्सीजर बताना है, क्या बताना है हमें इसका सक्सीजर। सक्सीजर कैसे निकालते हैं, जो हमें नंबर दिया गया है उसमें वन ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे ये नंबर है इसमें वन ऐड कर देंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, वो हमारा क्या होगा सक्सीजर। तो वो नंबर हमें कहाँ पे ऐड करना है, इस पूरे नंबर में नहीं, उसके वंस प्लेस में। ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है, हमें वंस प्लेस में उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 55 लिखा हुआ है, तो जब हम उसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और आगे वाला नंबर सेम टू सेम रहेगा। तो हमारा सक्सीजर क्या हो गया 4355 का सक्सीजर हो गया 4356। अब हमें क्या निकालना है, इसका प्री डिसीजन निकालना है। इस नंबर का नहीं निकालना हमें, जो हमारा नंबर था उसी का निकालना, ये तो हमारा सक्सीजर है, हमें जो प्रीडिसन निकालना है वो हमारा जो नंबर यानी क्वेश्चन दिया गया था उसी से निकालना है। तो हमें क्वेश्चन दिया है 4355, तो हमें इसका क्या निकालना है प्रीडिसर निकालना है। तो प्रीडिसर कैसे निकालेंगे, जो हमें नंबर दिया गया है उसमें से वन माइनस कर देंगे। तो वन माइनस कैसे करेंगे, जैसे ही वंस प्लेस है उसी में से करेंगे, टेंस में हंड्रेड थाउजेंड उसमें से नहीं करेंगे। तो जब इसमें से वन माइनस कर देंगे तो यहाँ पे फाइव की जगह क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, और आगे वाले जो नंबर है वो सेम रहेंगे। आगे फाइव दिया है, उसके आगे थ्री है, और उसके आगे है फोर, तो 4354 ये हमारा क्या निकला आया प्री डिसीजर। समझ में आया आपको प्री डिसीजर और सक्सीजर कैसे निकालते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, उन्हें सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इजी है, राइट द नेक्स्ट सिक्स नंबर, राइट द नेक्स्ट सिक्स नंबर्स। चलिए अब हम क्या सीख रहे हैं, राइट द नेक्स्ट सिक्स नंबर, यानी हमें कोई नंबर दिया गया है यहाँ पे, सपोज कि हमको यहाँ पे नंबर दिया है 9085, तो इसके बाद नेक्स्ट सिक्स नंबर क्या क्या आने वाले हैं
उनको लिखेंगे हम यहाँ पर क्या क्या आने वाले हैं, जो हमें ऐड करते जाना है वह वन नंबर ऐड करते जाना है, किसमें करना हमें, जो हमारा वंश है उसमें हमें ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9085, तो अगला नंबर में जब हम वन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9086, ऐसे फिर इसमें वन ऐड कर देंगे तो 9087 हो जाएगा, फिर उसमें ऐड कर देंगे 9088, उसके बाद फिर उसमें ऐड कर देंगे 9089, फिर उसमें वन ऐड कर देंगे 9090, ऐसी प्रकार से हम जो हमारे सिक्स नंबर हैं नेक्स्ट उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें और भी एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काउंट बैकवर्ड, काउंट बैकवर्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नंबर्स, उसमें क्या करना हमें, इसमें भी हमें एग्जाम्पल दिया होगा, जैसे 3150। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, नेक्स्ट अगले नंबर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब हम जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है काउंट बैकवर्ड, बैक मीन्स पीछे, यानी पीछे की साइड में से उल्टी गिनती सीखते हैं ना हम, 10 से पहले क्या आता है 9 से पहले 8 से पहले 7, उसी प्रकार से वो रूल इसमें फॉलो होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 3150, यानी कि अब इससे पहले नंबर क्या आता है, तो क्या आता है 3149 आता है, फिर उससे पहले क्या आता है, यानी फिर उसमें से एक माइनस कर देंगे 3148, उसके बाद क्या आता है 3147। इस प्रकार से जितने हमें पूछे गए हैं जो बॉक्स हमारी बुक में बने हुए हैं उन्हें हम फिल कर लेंगे जैसा कि इसमें बताया गया है, उल्टी गिनती की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी की तरह है, उसमें पूछा गया है 6 कंजुटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद 2058, यानी कि 2058 से नेक्स्ट नंबर क्या आएंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में सीखा था, यानी इससे अगले नंबर क्या क्या आते हैं उसमें वन ऐड करते जाएंगे, तो 2059, 2060, 2061 वन ऐड करते जाएंगे और हमें नंबर मिलते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 उसमें पूछा गया है राइट 10 कंजीक्यूटिव नंबर्स बैकवर्ड, बैकवर्ड अभी हमने सीखे थे बैकवर्ड, यानी कि रिवर्स काउंटिंग, यानी उल्टी गिनती, जो हमें नंबर दिया गया है वहीं से स्टार्ट करना है। तो हमें शुरुआत में एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए से, वहाँ पे लिखा हुआ है 2309, यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है बैक काउंटिंग। तो इससे पहले क्या आता है हमें ये पूछा गया है बैकवर्ड में, यानी इससे पहले क्या आता है, तो 2309 से पहले क्या आता है 2308 आएगा, फिर उससे पहले क्या आएगा, यानी उसमें से फिर वन माइनस कर देंगे 2307 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2306 आएगा। इस प्रकार से हम बहुत सारे नंबर जो हमारी बुक में दिए गए हैं उन्हें हम करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना हमें, फिल इन दी ब्लैंक्स नंबर जस्ट बिफोर, यानी हमें कोई नंबर दिया गया है जैसे कि 4959,
वहां से क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, यानी कि हमें ऐसे करके दो जगह दी गई हैं, उन्हें हमें कैसे फिल करना है, यानी कि इससे पहले नंबर क्या आता है जस्ट बिफोर, इस नंबर का पहले क्या आएगा इसी नंबर का, तो 4958 आएगा। इससे अगले वाले में पूछा है जस्ट आफ्टर, यानी इस नंबर के आफ्टर, यानी इसके बाद में क्या आएगा, तो 4960, यानी जब हमसे बिफोर नंबर पूछा जाता है, जैसे हम प्री डिसीजर और सक्सीजर में करते हैं सेम उसी तरह है, जब हमसे बिफोर नंबर पूछा जाता है तो उसमें से वन माइनस कर देते हैं, लेकिन जब हमसे आफ्टर नंबर पूछा जाता है तो जो हमें नंबर दिया गया था उसमें वन ऐड कर देते हैं और हमें आफ्टर नंबर मिल जाता है। ये हमारा बिफोर नंबर है और ये हमारा है आफ्टर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया हमसे, नंबर बिटवीन, राइट द नंबर नंबर इन बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, यानी हमें कुछ नंबर दिए गए होंगे, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं 3911 एंड 3913, तो हमें जो नंबर दिया गया है उसके बीच में क्या आता है, बीच का मतलब मिडिल में, तो देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है 3911 और एंड कहाँ पे हो रहा है 3913, तो बीच में कौन सा मिस हो गया 3912, ये हमारा क्या है आंसर है, ये हो गए हमारे बिटवीन नंबर यानी बीच का नंबर।